हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक वीडियो कंटेंट लेकर के आता रहता हूं, तो वैसे ही आज एक कंटेंट मैं और लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो हमारे पास एक फ़ोन है, तो मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास एक फ़ोन है। यहाँ पे एक रेडमी का 7A मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेडमी का 7A मॉडल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय। आपको अगर दिखाई दे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है द सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय, मतलब ये इन केस इसके सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो चुका है। तो जैसे पावर की करेंगे तो फोन हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा, पर हम फिर से अगर पावर बटन को हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने पावर बटन को प्रेस किया तो वापस से कोई बूट ना करके ऐसे ही चालू हो रहा है। तो सिस्टम इज डिस्ट्रॉय लिख करके एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो आ रहा है, तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सारा चीज स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सोल्यूशन को करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे इसकी फाइल डाउनलोड करके रख ली है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, हमने इसकी फाइल डाउनलोड कर ली है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो फाइल, ये इमेज फाइल है, और यहाँ पे फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ये फायर अस रो पैच भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो हमें सबसे पहले इसको हम करेंगे फ्लैश। फ्लैश करने के बाद सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो हम ये जो आपके पास कभी ऐसा प्रॉब्लम आया, तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोन को आपको डिसेंबल कर लेना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फोन फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट पॉइंट है पीछे होता है। मैं यहाँ पे इसके टेस्ट पॉइंट को, तो मैं फोन को डिसेंबल कर लेता हूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू में बना रहूंगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने फोन को कनेक्ट कर दिया है। मैं लास्ट में इसकी टेस्ट पॉइंट भी दिखा दूंगा। तो फोन को हमने फोन खोल कर डिसेबल करके ये देख सकते हैं, क्वालकॉम का क्यूरियो लोडर ऐसे 9 पोर्ट बना लिया है फ्रेंड। अब यहाँ पे हमें खोलना है क्यूसी फायर, तो हमने यूएमटी को लगा दिया है और हम करते हैं क्यूसी फायर। और क्यूसी फायर पे मैं एक वीडियो भी देने वाला हूँ आपको, क्योंकि जो उसका अपडेट आ चुका है 6.7, उसके बारे में भी अपडेट आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं अपडेट भी दूंगा आपको। तो क्यूसी फायर में हम सारा चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने फोन को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एरर्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये हमारा फोन है, हमारा ये क्यूसी फायर का खुल चुका है। अब हमें सीधा केवल प्रोग्राम पे टिक करना है और 3 डॉट पे जाना है फ्रेंड। 3 डॉट पे जाने के बाद जहाँ पे हमने फॉर्मवेयर को रखा हुआ है वहाँ पे हमें जाना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं इमेज, और यहाँ पे केवल रॉ को हमें दे देना है। तो यहाँ पे फ्लैशिंग इनेबल इन प्रोग्राम, तो ये देख सकते हैं हमारा ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है। हमारा यहाँ पे सारा कुछ लोड हो चुका है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, और हमें केवल और केवल फ्लैश पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी फ्लैशिंग, अब देखते हैं कि कोई इसमें एरर आता है कि नहीं आता है। हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है, फाइंड हो चुका है। यहाँ पे हमारा लोडर भी, सेंडिंग लोडर भी डन हो चुका है। और अब कोई एरर आता है, जैसे सिस्टम में एरर आता है, या फिर मॉडम में एरर आता है, या फिर यूजर डाटा में एरर आता है, या कहीं भी इन केस एरर आता है, तो सारा चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्किप ऑथ डिटेक्टिव चीफ, यहाँ पे सारा चीज हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं फ्लैश पर, जहाँ पे आपने एक शुरू में मैं अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑथ जो था उसको स्किप कर दिया है फोन को, क्योंकि ये पहले ऑनलाइन फोन था, अभी ऑफलाइन सारा चीज, क्योंकि इस टूल में काफी सारा लोडर डला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा चीज यहाँ पे। तो मैं अभी ऊपर आपको दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स इसमें जो ऑथ था, ऑथ हमारा देख सकते हैं वो स्किप हो चुका था, और ये सारा चीज अभी सिस्टम की फाइल यहाँ पे जा रही है फ्रेंड। तो आई होप ये आपको मैं प्रॉपर वे में जितना हो सकता है उतना नॉलेज दे सकता हूँ, और ये आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। तो सिस्टम की फाइल राइट हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा, और जैसे ही थोड़ा सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो मैं वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम की फाइल लगभग राइट हो रही है, राइट हो जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे कोई एरर अभी तक तो नहीं आया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लाइव ही कर रहा हूँ सारी चीजें। तो अब इसके बाद देखते हैं सिस्टम के बाद यूजर डाटा कैश और ये सारी फाइलें जब राइट होंगी, तो देखते हैं अगर एरर होता है या एरर कुछ आता है तो हम सारा चीज लाइव करने वाले हैं आपके सामने। 93% हो गया है, वेंडर जा रहा है। वेंडर जाने के बाद हमारा यूजर डाटा की फाइल भी राइट होगी, तो ये सारा चीज यहाँ पे जा रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।
आप हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल में और भी काफी सारे वीडियोस हैं जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप उसमें जाइए और उसे वॉच करिए, तब जाके आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वेंडर राइट हो रहा है। वेंडर राइट होने के बाद, क्योंकि मैं लाइव ही हूँ, कोई थोड़ी सी बड़ी वीडियो है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फाइनली देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हम इसलिए फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि आपको ये दिखा रहे हैं। एक लास्ट में चीज़ और भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले फ़ोन, तो यहाँ पे देखिए हमारा वेंडर भी डन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें। और अब बस यूज़र डाटा भी राइट होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे 62 हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे लाइव भी कर रहे हैं और आपको जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और 87 हो चुका है कम्प्लीटली। फ्रेंड्स देखिए यूज़र डाटा भी राइड हो रहा है, मतलब कोई भी रन नहीं हुआ, तो मतलब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट था। अगर यहाँ पे इसमें जो भी कंडीशन बनती, अगर फ्लैशिंग के टाइम पे जो कंडीशंस बनती, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कोई एरर आता, तो मैं वो भी एरर को आपको एक्सप्लेन करता। तो बाकी सारी चीज़ें अगर आपको फुल डीपली में नॉलेज चाहिए तो आप इसे टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपका इन फ्यूचर आप जो काम कर रहे हो एक सही वे में काम कर पाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारी चीज़ें, यूज़र डाटा राइड हो रहा है। तो जैसे ही राइड हो जाएगा फ़ोन हमारा रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हम ये चीज़ लाइव भी करेंगे और लास्ट में आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे पहली चीज़ की इसका टेस्ट पॉइंट दिखा दूंगा और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे उसका दिखा दूंगा कि क्या चीज़ जो शुरू में फ्लैश हुआ था और क्या स्किप हुआ था। क्योंकि ये जो ये देखिए फ्लैशिंग डन हो चुका है हमारा, यहाँ पे कम्प्लीटली फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ऑथ यहाँ पे डिसेबल कर दिया था, ऑथ डिवाइस, यहाँ पे देखिए ऑथ सर्वर। तो ये MI वालों ने बहुत अच्छा, ये UMT का बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए डाटा केबल लगा हुआ था, मैं डाटा केबल को निकाल दे रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये दो टेस्ट पॉइंट है, इसके कॉर्नर मेरा जो नीचे गिर गया है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है, तो मैं इसका आपको टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इसका टेस्ट पॉइंट जो है, आप अगर देखेंगे तो ये जहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ वहाँ पे दो टिप्स है, आपको दोनों टिप्स को टच करना है और आपका बन जाएगा। तो मैं फ़ोन में बैटरी लगा देता हूँ और फ़ोन को करते हैं ऑन। ये देखिए फर्स्ट हमारा फ़ोन तो ऑन हो गया, किसी प्रकार का डेड नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ मैं आपके सामने इसलिए लाइव कर रहा हूँ कि फ्रेंड जैसा कि आपको समझ में आए। तो ये फाइनली फ़ोन तो ऑन हो चुका है, और जैसे ऑन होता था तो सिस्टम डिस्ट्रॉय करके एक मैसेज आ रहा था। ये फ़ोन वही है जो कि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। तो फाइनली ये देख सकते हैं फ्रेंड बूटिंग प्रोसेस में हो गया, ये MIUI लिखने लगा है, मतलब ये बूट करने लगा है। फर्स्ट बूट हुआ, सेकेंड बूट भी करने लगा है। तो ये फ़ोन फाइनली ये देख सकते हैं MIUI, ये प्रॉपर जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसको हमने क्या किया कि सिंपल सा फाइल डाउनलोड करके, ये जो फाइल थी इसकी, फाइल हमने डाउनलोड किया और फाइल डाउनलोड करके हमने फ्लैश कर दिया। तो जो है इसमें काम 100% जॉब डन हो गया। तो अगर कोई एरर आता तो एरर के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, पर एरर कुछ भी नहीं आया। हम तो आपके सामने लाइव भी कर रहे हैं सारा चीज़। ये थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा फ्रेंड, जैसे ही चालू हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा जॉब डन हो चुका है, ये हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, ये फ़ोन ऑन हो गया है। तो ये फ़ोन में अगर FRP वगैरह लगी होगी तो मैं इसकी FRP बाईपास भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं फाइनली ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेलीकॉम को, जिसमें आपको नए अपडेट्स मिलेंगे। तो आई होप ये देखिए जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है, आपके सामने मैं लाइव किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बट सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।